before one begins a speech, there is a tradition to honor the dignitaries on the dais, but unfortunately it's empty. So I begin with honoring the audience who at least are tolerable enough to wait to speak, for me to speak gracefully. भारत ने थोड़े दिन पहले चंद्रयान टू स्पेस में भेज दिया. चंद्रयान टू भारत का है ये सारे विश्व को पता है, पर जहां भेजा, चांद के जिस टुकड़े पर, जिस एरिया में, वो एरिया किसका है ये किसी को नहीं पता. चंद्रयान टू साउथ पोल ऑफ मून पर लैंड करेगा ये बताया गया, पर वो साउथ पोल इज ओन्ड बाय हूम? नोबडी नोज. द रीजन बीइंग कि चंद्रमा पर सिविलाइजेशन पहुंची नहीं है. धरती पर बैठकर चंद्रमा की पूजा हम करते हैं, पर चंद्रमा पर पहुंचकर अभी अधिकार नहीं जमाया है, हक नहीं जमाया. क्योंकि अगर आप गौर करें तो नॉट ओनली कॉपीराइट बट सारे लॉज हक की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है. ये सारे कानून बनाए ही गए हैं आपके अधिकार को रिकॉग्नाइज करने के लिए. इन माई 27 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज अ लॉयर, I've yet to come across a case where people are fighting that this is my duty. कर्तव्यों की कोई लड़ाई है ही नहीं, ये मेरा कर्तव्य मैं करके रहूंगा, ऐसा कुछ आज तक तो मेरे पास आया नहीं. तो सारी लड़ाई तो हक की है, ये मेरा है, ये मेरा है. और शायद हमारे जीते जी जिस तरह से प्रोग्रेस होती है, या हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक, चंद्रमा पर भी वो लड़ाई पहुंच जाएगी और आगे चलकर मंगल पर भी पहुंचेगी. पर फिलहाल जब हम धरती पर हैं तो धरती की बात करते हैं कि ऑन द अर्थ इन द प्री एंशियंट एरा व्हेन अर्थ वाज इक्विवेलेंट टू मून, human race was just evolving, everything was open, everything belonged to everybody. Sanskrit mein hamare scriptures kehte hain vasudhaiva kutumbakam. Vasudha matlab dharti, prithvi. Wo sari prithvi हमारी फैमिली के तरह से है. कहीं और मैंने पढ़ा सबय भूमि गोपाल की, मतलब सब कुछ किसी एक अज्ञात शक्ति का है, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं. बट दैट वॉज अ प्री एंशियंट एरा जिसको हम नॉन सिविलाइज्ड एरा कहते. अब देखिए तब कोई झगड़ा नहीं था, सारा झगड़ा तो सिविलाइजेशन के बाद शुरू हो गया. और कमाल की बात यह है कि जब दो लोग झगड़ते हैं तो हम कहते हैं बी सिविल. कितना बड़ा पैराडॉक्स है, जब सिविलिटी नहीं थी तो कोई झगड़ा नहीं,
And when there is civility, there is a lot of fight, and we expect people to be a little more civil. अब आप देखिए कि वक्त बदलता रहा, ह्यूमन रेस इवॉल्व होती गई, और एंशियंट एरा में फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टीज ओन की जा सकती हैं, ये कंसेप्ट आया दैट वी कैन ओन समथिंग. But that owning was limited to tangible properties. Tangible means the one which could be seen, which could be touched. This is tangible. Jaise ki movable tangible, immovable tangible. Immovable matlab khet, makan, dukan, mahal, किले, ये टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज. टैंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टीज उस जमाने में घोड़ा, गाय, बैल, घोड़ा गाड़ी, टोंगा, वक्त के साथ कार एंड अदर गैजेट्स. तो ये जो ओनिंग ऑफ इनटैंजिबल एंड टैंजिबल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, ये बहुत एंशियंट है, प्राचीन है. बट सरप्राइजिंगली टिल ऑलमोस्ट 2 years अगो मेंटल प्रॉपर्टीज, मेंटल कैपेबिलिटीज भी हक का मैटर हो सकती हैं, ये कंसेप्ट नहीं था. आपके दिमाग से उपजी हुई चीजें जो टैंजिबल नहीं है वो भी आपका अधिकार हो सकती हैं, और आप उससे पैसे कमा सकते हैं. इफ यू जस्ट स्टडी एंड रीड, यू विल फाइंड दिस कंसेप्ट वॉज नॉट देयर टिल 200 years ago, लिटल मोर देन दैट. क्योंकि वक्त के साथ वी गॉट मोर सिविल, वी ग्रू मोर, मेंटल कैपेबिलिटीज डेवलप्ड फर्दर, और तब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करने लगे. टेंजिबल प्रॉपर्टी से ट्रांसफर हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पर वो टेंजिबल प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ, वो आज भी कंटिन्यूड है. वो प्रॉपर्टी राइट्स तो कंटिन्यूड है, पर ये एक नया एरिया ओपन हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहां हम अपने इंटेलेक्ट को भी ओन करने की बात करते हैं. और हम बात करते हैं कि मेरे इंटेलेक्ट से जो क्रिएशंस हुए हैं वो मेरे हैं, उन पर मेरा अधिकार है, और अगर उसका उपयोग आप करते हैं तो आपको मुझे पेमेंट देना होगा. दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. फिर आ गई बात वही राइट्स की, वही हक की, और वही उस अधिकार से पेमेंट जनरेट करने की. टू 200 years ago से पहले यह कंसेप्ट नहीं था, इसलिए आज आप बिना कोई पेमेंट दिए महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ पाते हैं. बिना कोई पेमेंट दिए आप भगवद गीता पढ़ पाते हैं. महाभारत वेदव्यास ने लिखी, ये आपको पता है, लेकिन वेदव्यास को कोई चेक नहीं भेजा. महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिख दिया, द मोस्ट नोटेड ड्रामा, बट ही डिड नॉट
इवन इफ यू प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम यू विल नॉट गेट अ नोटिस फ्रॉम अ डिसेंडेंट्स ऑफ कालिदास कि मेरी रॉयल्टी तो दो. वो कंसेप्ट नहीं था. रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास ने लिख दी, सबके घरों में, कोई कॉपीराइट नहीं. अगर आज लिखी होती तो जैसा कि इन एंशियंट स्टोरीज में पढ़ने को मिलता है कि दीज ग्रेट जायंट्स ऑफ लिटरेचर वो वेरी पुअर, भिक्षा पर जीते थे. आज के समय पर होते तो बिलियनर होते, जगह जगह डोनेशंस दे रहे होते. ये विजार्डी है लॉ की, ये मैजिक है उन कंसेप्ट्स का जो आपने ओवर द इयर्स डेवलप किए कि इवन मेंटल कैपेबिलिटीज क्रिएशंस विल बी टर्म्ड एज प्रॉपर्टी एंड नोबडी हैज द राइट टू इन्फ्रिंज दैट प्रॉपर्टी. And if somebody wants to utilize that property, one would be obliged to make a payment to the owner. And that is how the laws evolve. And that is how, over the years, the creations of intellect, like literature, like music, like paintings, like architecture, like drama and various form of arts were started being recognized as property. You can copy the architecture of an ancient temple without paying anything, but you can't copy a modern day building without paying to the architecture or the architect who designed that. You cannot, because today that is copyrighted. That architecture itself is copyrighted, and the architect is the owner of that design. We have so many Gothic style buildings in Bombay. We have so many ancient temples in Bombay. Various kind of architectures are there. वो एंशियंट आर्किटेक्चर को आप अपने घर के डिजाइन में करना चाहें, यू आर एंटाइटल टू डू दैट. बट अगर किसी मॉडर्न डे आर्किटेक्ट की बिल्डिंग को कॉपी करना चाहें, यू कांट. बी रेडी टू रिसीव अ नोटिस ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट. एंड इफ यू डेयर टू डू दैट, आई एडवाइज यू टू टेक माई नंबर. आई विल बी एनरिच्ड बाय योर कॉपीराइट वायलेशंस. वक्त बदला, समय बदलता गया, हम एंशियंट पीरियड से और आगे बढ़े और हमने ये जो मेंटल कैपेबिलिटीज पर कॉपीराइट बनाए वो सारे लिटरेचर, टैंजिबल पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, ड्राइंग्स धीरे धीरे सब डिजिटलाइज्ड हो गया. और आज की तारीख में अ कंप्यूटर इज एन आंसर टू एवरीथिंग विच यू वांट टू डू. इफ यू वांट टू डेवलप एन आर्किटेक्चर एंड ड्राइंग, कंप्यूटर इज फॉर योर हेल्प. नोबडी नाउ डज ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन. इफ यू वांट टू राइट लिटरेचर, कंप्यूटर इज द आंसर. यू हैव टू जस्ट राइट टाइप योर आइडियाज और योर थॉट्स ऑन अ कंप्यूटर. If you want to get it published, you need not to print it on a paper and send it to the publisher. You can just mail it.